हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है रक्षाबंधन और आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से भाई बहनों का प्यार यूँ ही बना रहे हैं और हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और ये देखिए, अभी ना हमारे घर पे सबसे पहले अभी मम्मी हम लोगों को रक्षा धागा ये इनको भी बांधेगी राखी, क्योंकि इस बार हमारी दीदी की राखी नहीं है। दीदी के ससुर एक्सपायर हो रखे हैं तो उनकी राखी नहीं है, तो हाथ खाली क्यों कर रहा त्यौहार के दिन। तो मम्मी इसीलिए अभी इनको राखी बांधेगी। हाँ, आज मैं अपने बेटे को राखी बांधूंगी बेटी के जगह में, तो हैप्पी रक्षाबंधन। तो बांधते हैं वैसे, है ना, अपने बेटों को भी बांधते हैं जिनकी बहनें नहीं होती है, तो ऐसे शुभ कार्य में हाथ खाली नहीं करना चाहिए। तो अभी पंडित जी भी जो रक्षा धागा देके गए थे, तो मैं भी हाथ में बांधूंगी मीरांज को भी, और ये बैठे हुए हैं अभी। और घर पे भगवान जी को, जैसा कि आप लोगों ने देखा, भगवान जी को सबसे पहले हम लोगों ने राखी बांध दी थी, चढ़ा दिया था भगवान जी को। भगवान जी के अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं और मीरांज को देख सकते हैं आप एकदम। ये देखिए बेटा, ये देखिए मीरांज का लुक, रक्षाबंधन को। और ये देखिए बेटे का लुक। और इसको अभी मैं मायके जाऊंगी तो वहाँ अपने भाई लोगों को बांधूंगी राखी, तो मिष्टी भी मीरांज को राखी बांधेगी हर साल की तरह। तो अभी फटाफट से यहाँ पे बांध लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 9:30 का टाइम है, तो भाई लोग भी वेट कर रहे होंगे क्योंकि छोटे भाई को ऑफिस भी जाना होता है। फटाफट से बांधते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से मायके में। तो अभी ये देख सकते हैं आप, राखी की थाली रेडी है और ये ले जाने वाली राखी है जो मम्मी अपने भाभी लोगों को, भते लोगों को बांधेंगे। और ये है मिठाई घेवर की, और मैंने अपना रखा हुआ है अभी, ये मेरा है ना। हाँ, ये मेरा है। तो अभी मम्मी भी अपने मायके जाके अपने भाभी लोगों को सबको बांधेंगे, भतीजे सबको। और बोलो कुछ और रक्षाबंधन का। हैप्पी रक्षाबंधन, आप सब लोग को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी और भरेगा। अच्छा, आप तो बांधने जाओगे। पैसे भी गाइज, अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने मायके में, मैं पहुंच गई हूं। और ना ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रखे हैं, सिर्फ विकास को छोड़ के। विकास को क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, तो वो सबसे पहले अभी रेडी होके हमें ही उसने गेट खोला था और बाकी कोई भी रेडी नहीं हो रखा। शायद भाभी की अंदर से आवाज़ आ रही, तो भाभी एक बार भाई दिखा तो दे। ये देखिए, ये देखिए मेरे भाई को और भाभी। अच्छा, तो भाभी पीछे से दिखा देती हूँ। भाभी अभी थोड़ा सा, भाभी का भी टचअप नहीं हुआ है, कपड़े भाभी ने नए पहन रखे हैं। बाकी भाभी ने इतनी सारी वैरायटियाँ बना रखी है भाई। अभी बाकी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर है, तो अभी मम्मी मंदिर में है, तो फिर आप लोगों से मिलाते हैं। बोला बाबा, सबकी बजा दो, बोलो सबकी बजा दो बीन, बोलो बीन। मीरांज को कौन बांधेगा? मिष्टी। मीरांज मैं, अभी से मीरांज मैं बांधूंगी। कौन बांधेगा? मैं। हेलो भाई, आज भी रुकना है, रुकना बुखार आ गया है। चल, बहुत तुम देख रहे हो, रुकना है। राखी मुबारक हो, राखी का बहुत बहुत बधाई हो। उधर जब मौसम और ज्योति का जब मेरी राखी बोला था। पला दी, रुक तो पहले राखी तो बांध दे, आशीर्वाद पहले चाहिए इसको, बताओ। वीडियो में सब आना चाहिए, संस्कार आना चाहिए। चांदी की राखी लेकर आई है चंदा हमारे लिए। बोलते रहो, कैसे बनाया ये गणपति ज्वेलरी? सोने की वास्ते? नहीं नहीं, चांदी के चंदा लेकर आई है फर्स्ट टाइम। आप लोग भी भेजना अपनी राखी किस तरीके से आप लोगों ने भी बांधी है। और ये मेरा राजा भैया मौसम की तरफ से, ये पीतल की
वो सुनेगी? सुन, अभी अभी एक हीरे की भी है, ये सुनेगी क्या? है गिरे ये जूरी की तरफ से है, ये हीरे की है। सब है हमारे पास आइडिया। वाह वाह, 1 करोड़ बहनों ने जब बात आ, मेरी माँ आज ऐसा का ऐसा ही रह गया और बस वो भारी हो गया, इतना भारी हो गया आज। खिलाना पिलाना भी तो होता है, बाद में खाते हैं। अरे साथ में खिलाते हैं भाई। अच्छा हर चीज त्यौहार बनाते है भाई। टोपी बनाते हैं सब, ये देखो फोटो फोटो बना रहे हैं। बंद कर, कोई बात नहीं। अच्छा बंद कर, चुपा देखो ये देखा, वाह वाह सबसे अच्छी तो मिस्टी कर रही है भाई। अरे रुको रुको, राखी बांधो, अरे राखी बांधो, बांध लोगे? मैं बांध दूंगा, खिलाओ पूरा मोमेंट आ दिया, खा लेंगे। अरे दीदी क्या याद है, स्माइल करो दोनों, स्माइल करो, वो खाने भी आते हैं, स्माइल करो, स्माइल करो बाबू। ये देखिए भाभी ने कितनी सारी चीजें बना रखी है। भाभी ये क्या है? ब्रेड पकौड़ा। और ये वो दाल की पकौड़ी, और ये वाली ये गुलगुले, और वो पोटैटो वो पॉपकॉर्न। ये देखिए भाभी ने इतनी सारी वैरायटियां बना रखी है खाने के लिए। और भाभी सुबह से लगे थे क्या? अभी अंदर। अच्छा, वो खुशबू और भाभी दोनों लगे हुए थे, और ये बहुत अच्छा चीज़ बना रखा है इन लोगों ने, तो अभी हम इसका आनंद लेते हैं। और ये तो खा के एकदम, तू तो ऑफिस भी जाएगा, और ये भी अभी बस खा रहे हैं। तो गाइज हम लोग ना खाना वाना खा के एकदम मस्त करके वाली मस्त नींद में सोए थे, और इज़मीराज के पापा ना खाना वाना खा के चले गए थे, और थोड़ा सा ऑयली वगैरह खा लिया था, तो काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी। तो हम लोगों ने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट करते करते हमें 5:30 हो गया है यहाँ पे। और हमारे बड़े भाई को थोड़ा फीवर भी था, तो बेचारे ने जैसे जैसे उठ के भी राखी उखी मैंने बांधी, और थोड़ा सा होता ना फीवर में, 2-4 दिन हो गए थे फीवर हुआ, तो थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा वो कर रहा था आने के लिए भी ना, तो मन नहीं कर रहा था। हाँ, मन ना ऐसे थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन हो भी जाता है, तो थोड़ा सा वैसा कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छा रहा हमारा रक्षाबंधन। भाभी लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई खाने की भी, और भाभी और खुशबू ने मिलके, और काफ़ी अच्छा लगा रक्षाबंधन का त्यौहार हमारा। और आप लोगों को कैसा लगा रहा हमारा ये ब्लॉग, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से।